अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे, अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपको गोले के कबाब बनाना सिखाऊंगी, ठीक है? आप चले, मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, ये छोटे का कीमा है 1 किलो, ठीक है। ये देखें, हरी मिर्ची मैंने 10-12 पीस लिए, ये लहसुन अदरक है, और ये प्याज है कटा हुआ, ये धनिया और पुदीना है, और ये मिर्ची, मोटी मिर्ची दरमियानी देखें, और ये हल्दी है, और ये है क्या कहते हैं, सूखा धनिया कुटा हुआ हल्का सा, ये नमक है, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ अभी इसमें मैं सब कुछ डालूँगी, ये मिक्स करके आपको दिखा रही हूँ। देखें जी, ये मैंने इसमें डाल दिया प्याज, अल्लाह ज़्यादा भी ना हो जाए ना, ठीक है। ये देखें, आप अपने अंदाजे से डाल लीजिएगा। और ये मैंने सूखा धनिया को पीस लिया है, ये देखें डल गया, और ये हरी मिर्ची है, ये देखेंगे इसमें मैं ये डाल रही हूँ, इसी से फ्लेवर ना अच्छा आएगा। हाँ जी, इसमें मैं लहसुन अदरक डालने लगी हूँ, ठीक है। ये देखेंगे, बिस्मिल्लाह, 1 स्पून गई, 2 स्पून गई, थोड़ा सा ये ना, थोड़ा सा मैंने पतला रखा था, पीस नहीं रहा था मेरे से, तो इसलिए मैंने ऐसे कर लिया। अब देखें, इसमें ऐसे डाल दिया मैंने, और इसके अंदर मैं ये कुटी हुई मिर्ची डालूंगी, ये देखें, बिस्मिल्लाह, 1-2 स्पून डाल दी, ज़्यादा तेज़ ना हो जाए, और देखें जी, 1 स्पून छोटी मैं हल्दी डाल दूँ, देखें 1 स्पून ये गया नमक, ये कम है, अभी थोड़ा सा और डालेगा, फिर हम देख लेंगे इसमें कितना नमक कम है, ज़्यादा और डालना है कि नहीं डालना। 1.5 स्पून मैंने नमक की डाल दी, और ये देखें जी, धनिया पुदीना ये इस पानी में मैंने डिप किया हुआ था, इसको निचोड़ के अच्छी तरह इसके अंदर ये भी डल चला जाएगा। इस पुदीने से ज़्यादा फ्लेवर अच्छा आता है, लेकिन हाँ जी, देखें जी, ये आटा है, ब्राउन आटा है, मुझे चाहिए था बाजरे का आटा, वो मुझे मिला नहीं, कहते हैं जी सर्दियों में मिलता है, इसलिए मैंने आटा थोड़ा सा लिया, इससे भी अच्छा बनेगा। अब मैं इसमें डाल के फिर इसको मिक्स करती हूँ, और इसके अंदर मैं 1 अदद अंडा डाल दूँगी, क्योंकि थोड़े से सॉफ्ट बनेंगे। हाँ जी, देखें जी, इसके अंदर मैंने आटा थोड़ा सा डाला है, और मैं इसके अंदर और डाल दूँगी। अब मैं इसको मिक्स करती हूँ, ऐसे करके जब बनेगा आप भी बोलेंगे बहुत अच्छा बना है। हाँ जी, देखें जी, ये मैंने ये कब ऊपर चढ़ा दिया, ये देखें ऐसे बनेंगे, बहुत मज़ेदार बनते हैं ऐसे, जब ये बन जाएंगे फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, देखें जी, ये मैंने बना लिए, देखें माशाल्लाह बहुत अच्छे बने ये गोले का, मैं इसको आप दे दूँगी, ये देखें जी, इसको यूँ ढक देना है थोड़ी देर के लिए, ऐसे रहेगा 5 मिनट के लिए, फिर इसको मैं हटा दूँगी। और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ज़रूर लाइक कीजिएगा। चले जियो, हज़ारों परस जिए, अल्लाह हाफिज़।